প্রিয়াঙ্কা তুমি কাঁদছো? ও মা কাঁদছে কি? अभी रुक्षा थी शादी के लिए आंसू बचा कर रखो। तो अभी बज रहा है रात का 12, मैंने अभी से व्लॉग बनाना स्टार्ट कर लिया है और ये मिडनाइट सेलिब्रेशन हो रहा है। ये आज है रुक्षा रपी का बर्थडे, तो बच्चे लोग सब सो रहे थे बिकॉज कल मॉर्निंग में सबको स्कूल जाना है, फ्रेंड्स बहुत सुबह उठना है, तो इस वजह से बच्चे लोग सो गए। तो उसके बाद हम लोग ने ये मिडनाइट सेलिब्रेशन किया और रुक्षा रपी केक कट किया और हम लोगों को केक खिलाई माशाल्लाह से। तो मैं बस ज़्यादा व्लॉग नहीं ले पाई। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आज है रुक्षा रपी का बर्थडे, तो मैं मॉर्निंग में रुक्षा रपी के लिए बर्थडे केक गिफ्ट लेने के लिए आई हूँ। तो मैं अभी चूज़ कर रही हूँ कि मुझे कौन सा केक लेना है, तो जल्दी जल्दी यहाँ से केक ले लेते हैं। तो मैं भी ये केक सोच रही हूँ ले लूँ। तो अम्मी के लिए भी मैंने यहाँ से कटलेट लिया है, फ़िश कटलेट एंड पैटीज वगैरह भी लिया है, जैसे कि मेरी अम्मी को बहुत शौक़ से अम्मी ये सब खाती हैं, तो मैंने अम्मी के लिए भी यहाँ से ये सब लिया है। और अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने रुक्षा रपी के लिए कौन सा केक लिया है। तो मैंने अभी फाइनल डन किया है, एक सेकेंड, ये है वो केक जो कि मैं पैक करने के लिए बोल रही हूँ। बहुत ही क्यूट सा केक है, देख सकते हैं ब्लैक फॉरेस्ट है। और अभी ये मेरा केक डन हो चुका है और ये भैया मुझे पैक करके दे रहे। उसके बाद मैं आई हूँ स्वीट्स के शॉप, बहुत ही फेमस चतुर्भुज का स्वीट्स लेने के लिए। तो मैं यहाँ से अभी लूँगी रसगुल्ला, कोलकाता की शान है रसगुल्ला। तो बोला अनेक टेस्टी है ना, पाँच टाइम ये गोला पार्टी हो रहा है। मैंने अम्मी के लिए फिश कटलेट भी लाया है, देखो गौरव मचे खाओ। और देखिए गाइस, अभी अम्मी आज रात के लिए बिरयानी सब रेडी कर रही हैं और सारा अभी भी हेल्प कर रही है अम्मी का। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सुगुप्ता की दुनिया में आज आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आज है रुक्षा रपी का बर्थडे, तो मैंने कुछ मेट नाइट सेलिब्रेशन का भी ब्लॉग वगैरह लिया है। सुबह मैं जो भी शॉपिंग करने के लिए गई थी, मैं उसका भी ब्लॉग ली हूँ फ्रेंड, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और आज मैं कैसी लग रही ज़रूर बताइएगा। तो आज पूरा सारा ब्लॉग बना रही हूँ मैं, बर्थडे में कौन कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या खाना बनेगा, तो वो भी मैं सबसे मिलाऊंगी आपको कि कौन कौन है। ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने नहीं बुलाया है बिकॉज अभी दो दिन के बाद कुछ और एक पार्टी है घर पर, जो कि मैं आप लोगों को वो पार्टी ज़रूर बोल दूंगी अगर कोई आया है। तो आज की फर्स्ट गेस्ट हम लोगों की प्रियंका मैडम, जैसे कि रुक्षा रपी की बेस्ट फ्रेंड है आप लोगों को पता है, तो वो फर्स्ट गेस्ट आ गई है बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन के लिए। हैप्पी बर्थडे रुक्षा, थैंक यू। और रुक्षा रपी भी रेडी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी रुक्षा रपी को हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए माशाल्लाह से। आज प्रियंका बोल रहे और रुक्षा रपी का लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो प्रियंका मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाई है, गिफ्ट भी है और कुछ स्पेशल गिफ्ट है, तो वो बोल रही है कि वो बाद में दिखाएगी टीवी पर, तो हम मैं जब देखूंगी आप सभी को दिखाऊंगी। ठीक है, तो कुछ वो अपना मतलब अपने चैनल पे कुछ छोड़ी है जो कि हम आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे और अभी आप लोगों को भी दिखाएंगे कि वो कुछ बनाई है, परेशान कुछ वीडियो बनाई है ना। तो ठीक है, आप लोग भी देखिएगा अभी, ठीक है। चलो पप्पी शप्पी लो अपनी प्यारी बोलू को और 100 साल जी लो। वाह, बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट दी है आई शेडो पैलेट, रुक्षा रपी को आई शेडो पैलेट की जरूरत थी। एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड हो ना तुम प्रियंका, तो दिल से दिल का कनेक्शन है, तो इस वजह से तुम्हें पता चल गया कि रुक्षा रपी को आई शेडो पैलेट की जरूरत थी। बहुत अच्छा गिफ्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज की सेकेंड गेस्ट आई है, देखिए हम लोगों की कुबा। आपको फिर से बात है,
बर्थडे ही बर्थडे है माशाल्लाह से ना। अभी भी एकदम रेडी हो गई है अपनी बेटी की बर्थडे के लिए। अभी सलाम करो फ्रेंड सर्कल के। अस्सलाम वालेकुम। देखिए प्रियंका आ गई हम लोगों की बचपन की फ्रेंड, मतलब सारा की बेस्ट फ्रेंड। मैंने पुराने व्लॉग में भी आप लोगों को बोला है कि प्रियंका के बगैर हम लोग बैग नहीं चढ़ाते। कैसा है खाइए, आपको बहुत जरूरत है। आपको, नहीं खाते। एक, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कुबा। आप तो पोषण का शिकार हैं। बिरयानी रेडी, अनेक सुंदर स्मेल आ रही है। वाओ, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। ओ माँ, भाभी केक नहीं है इससे। जियान चलो व्लॉग ले लेते सियान का। प्रिंसेस मम्मी है, रेडी हो रही भाभी। ओके क्यों टच करे ना जियान के कांध पे हो। ओह की प्यार हो चे। और तो जियान पूरे सलमान खान लग चे ना। सलमान और इन लोगों का बदमाशी देखिए। डैनियल हाय बोलिए फ्रेंड्स को। अस्सलाम वालेकुम। और देखिए ये केक तो मैं रुक्षारा अपी को बर्थडे गिफ्ट कर रही हूँ, और ये लाई है भाभी, मतलब जियान लाए अपनी फूफी के लिए, राइट। और ये है जियान, देखिए बाबू। बस आज मत लगाओ कैंडल। पानी भी तुमने कर लिया, हम लोगों ने भी कर लिया, ठीक है। तो चलते अभी हम लोग देखेंगे कि तुमने क्या बनाया अपने चैनल पर। चलो वो तो दिखाएं। सरप्राइज है अभी हम लोगों की। प्रियंका मैडम हम लोगों को दिखाएगी कि वो क्या बनाई है। वीडियो हम लोग ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। हाँ मैंने बता दिया तो अभी चलो। ये कहानी है मेरी और मेरे पागल फ्रेंड, फ्रेंड नहीं पता नहीं क्या यार, सोलमेट कह सकते हैं उसकी। हम मिले थे, मुझे डेट तो याद नहीं, पर वो दिन बहुत ही सुहाना था। थोड़ा पीछे आ
आते हैं और बात करते हैं उन दिनों की जब मेरी मम्मी बना करती थी। हाँ हाँ सही सुना आपने, मम्मी बना करती थी। जहाँ भी जाती थी वहाँ ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो। अब जानते हैं हमारी फ्रेंडशिप इतनी साल क्यों चली। कभी किसी थर्ड पर्सन की बात को नहीं माना और हमेशा अपनी फाइट्स को अपने बीच रख ही रखा। और हमेशा मैंने माफी मांगा और उसने मुझे हमेशा डांटा। बट फिर भी मैं आज इमोशनल से ये कहना चाहती हूँ कि बार बार दिन आए, बार बार दिन ये जाए, मुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे रुखसार और मैं नहीं बदले, हम वही बच्चों की तरह झगड़ते हैं और जिंदगी भर झगड़ेंगे। कभी दूर दूर मेरे बिना और कभी ना आए, की दुआ है कभी दूर दूर जाए तेरे बिना हो जीना हो पर कभी ना आए। अभी रुक्षा अपनी शादी के लिए आंसू बचा कर रखो। छोटी भाभी भी रो दी है माँ। तो गाइज आज प्रियंका के लिए हम लोगों ने सब कुछ वेज मंगवाया है क्योंकि आज प्रियंका का कुछ क्या है तुम्हारा बताओ। आज थर्सडे है, थर्सडे को हम लोग नहीं खाते हैं नॉन वेज और हम बहुत खुश हैं कि हमने मेरे लिए तैयारी इसलिए स्पेशली वेज मंगवाई है। तो आपको ये तो पता ही चल रहा है कि इतना रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग हमारे रिलीजन का, तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। थैंक यू सो मच। तो आज किसका बर्थडे था? तो आप लोगों ने पूरा व्लॉग में देख ही लिया किसका बर्थडे है। हाँ पता है आप सभी को कि रुखसार का बर्थडे है, ठीक है। तो मेरे बर्थडे के बाद रुखसार का बर्थडे आता है हर साल। तो आप लोग मेरे बर्थडे का भी व्लॉग देखिए और देखिए आज भी आप लोग देखिए। अभी टाइम है मेरा बर्थडे आ रहा है लेकिन वक्त है अभी। आज पार्टी है, तो देखिए मेरा बर्थडे का व्लॉग आप लोगों ने देखा और देखिए मैं बोल रही हूँ कंटिन्यू ये बोले जा रहा है कि मेरा भी बर्थडे आ रहा है। तो देखिए आप लोग ये व्लॉग देखिए कैसा आप लोगों को लग रहा है वो भी बताइए, ठीक है। प्लीज खुश होइएगा देखकर।
ठीक है, और कोशिश कीजिए आप लोग भी अपने घर में ऐसी छोटी छोटी पार्टी करते रहिए, अच्छा लगता है, ठीक है, करते रहिए। ऐसा मत देखिए कि बर्थडे में कौन छोटा है कौन बड़ा है, माँ बाप के लिए बच्चा हमेशा छोटा होता है, चाहे वो जितना भी बड़ा हो जाए, जितना भी बड़ा, ये तो आप लोग सब समझते होंगे। और बर्थडे एक ऐसा चीज है जो सब वेट करते हैं, सब वेट करते हैं कि कब बर्थडे आएगा, कब बर्थडे आएगा। तो हम लोगों का आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा। और माशाल्लाह से हम लोगों के घर में छोटा छोटा सा पार्टी भी बहुत अच्छे से होता है, जैसे हम लोग हर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करें, चाहे वो मेरी अब्बू का बर्थडे हो, चाहे वो मेरी अम्मी का बर्थडे हो, हम लोग हमेशा बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करते हैं।